तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कूलर का कनेक्शन करने वाले हैं। अगर आपके कूलर में रेगुलेटर लगा हुआ है और यहाँ पर पंप के लिए भी रेगुलेटर लगा है, या फिर वन वे स्विच लगा है, इस टाइप का स्विच लगा है, तो उसके कनेक्शन कैसे करने हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको मोटर दिखाई दे रही है और इस मोटर में से ये ब्लैक वायर निकली हुई है जो आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो वायर है, यहाँ पर दो वायर निकली हुई है इस मोटर से, किसी किसी में तीन, किसी में चार वायर भी होती है। और इसी के साथ आपको जो ब्लू वाली वायर दिखाई दे रही है पानी की पंप की, जो कि यहाँ पर जॉइंट हो रखा है, क्या वायर इसकी छोटी थी। और यहाँ पर हम मेन सप्लाई की वायर देखते हैं, यहाँ पर दो वायर दिखाई दे रही है, किसी किसी में तीन वायर भी होती है, जिसमें तीन वायर होती है, ग्रीन वाली वायर होती है, वो अर्थिंग की होती है। और यहाँ पर जो दो वायर है, यहाँ पर मेन सप्लाई की दो वायर है, फेस और न्यूट्रल सप्लाई। और यहाँ पर हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पर आपको इसका रेगुलेटर दिखाई दे रहा है जो कि मोटर के साथ कनेक्ट होती है, जो कि 1000 वॉट की। यहाँ पर इसकी दो वायर यहाँ पर निकले हुए हैं। और इसी के साथ में एक और रेगुलेटर लगा है जो कि यहाँ पर पंप के लिए, यहाँ पर आपको चार टर्मिनल दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी में क्या होता है, इसकी जगह स्विच भी लगा होता है। अगर स्विच लगा तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो टर्मिनल लिखा हुआ है इसमें 1 2 3 टर्मिनल लिखा हुआ है, और जो ग्रीन वाली वायर है 1 नंबर 3 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट हो रखी है। और इसी के साथ में जो एल टर्मिनल है, इसमें हमें मेन सप्लाई की वायर कनेक्ट करनी होती है। तो चलिए उसे कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर आपको मोटर की दो वायर दिखाई दे रही है, इसमें से किसी भी एक तार को ले लेना है। और यहाँ पर जो पंप की तार है उसमें से किसी भी एक तार को ले लेना, कोई से भी कलर की वायर है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों की एक एक तार को ले लिया और इस टाइप से हमें ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक मोटर की वायर और एक पंप की वायर को मैंने एक साथ ज्वाइंट कर दिया। अब हमें मेन सप्लाई की किसी भी एक तार को इन दोनों वायर के साथ ज्वाइंट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस वाइट वाले वायर को ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पर किसी भी तार को आप ज्वाइंट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मेन सप्लाई की एक वायर को मैंने एक मोटर की वायर, एक पंप की वायर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मोटर की एक वायर बच गई है और एक पंप की वायर रह गई है। अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर जो मेन सप्लाई की एक तार है उसके भी कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर जो आपको इसका रेगुलेटर दिखाई दे रहा है, रेगुलेटर में आपको दो वायर दिखाई दे रही है। आपको क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक तार को इस मेन सप्लाई की दूसरी वायर से कनेक्ट कर देना है, जिससे क्या होगा, रेगुलेटर को यहाँ पर सप्लाई मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस रेड वाली वायर को रेगुलेटर के एक वायर से जोड़ दिया, किसी भी वायर से जोड़ सकते हैं। और एक तार का टुकड़ा और ले लिया, जिससे मैं यहाँ पर पंप के रेगुलेटर से कनेक्ट कर सकूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक तार का टुकड़ा और ले लिया। और हमें क्या करना है, जो मेन सप्लाई की जो दूसरी वायर थी उसे इस ब्लैक वाले वायर से ज्वाइंट कर देंगे। इससे क्या है, यहाँ पर रेगुलेटर को भी सप्लाई मिल जाएगी और पंप को भी सप्लाई मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर मैंने ज्वाइंट कर दिया और यहाँ पर टेप लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए, मेन सप्लाई की जो दूसरी वायर थी वो कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ पर जो ब्लैक वाली वायर थी उसको हमें क्या करना है, जो पंप का जो रेगुलेटर है उसमें कनेक्ट करना है। अब हमें इस ब्लैक वाले वायर को, जो हमारा पंप का रेगुलेटर है, उसके एल वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पंप के रेगुलेटर के एल वाले टर्मिनल पर इसे कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर क्या है, जो मेन सप्लाई है वो इस मोटर के रेगुलेटर और पंप के रेगुलेटर से कनेक्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मोटर की जो एक वायर है, जो ब्लैक वाली वायर है, हमें क्या करना है, यहाँ पर जो मोटर का जो रेगुलेटर है उसमें जो एक नीली तार बची हुई है उसे हमें इस वायर से कनेक्ट कर देना है। इससे क्या है, जब हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे तो क्या है, सप्लाई यहाँ से होते हुए मोटर को मिल जाएगी। और यहाँ पर जो ब्लू वाली वायर है वो पंप के लिए है। तो इस ब्लू वाली वायर को क्या करना है, इस ग्रीन वाली वायर के साथ ज्वाइंट करके हमें उसी टर्मिनल पर लगा देना है जहाँ से हमने निकाला था। इससे क्या है, जब हम रेगुलेटर को ऑन करेंगे, यहाँ पर पंप के रेगुलेटर को ऑन करेंगे, तो क्या है, सप्लाई पंप को मिल जाएगी और हमारा जो पंप है वो चालू हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें कनेक्शन करना है। देखिए, यहाँ पर एल टर्मिनल पे हमने ब्लैक वाले वायर को कनेक्ट किया है और इस ब्लू वाले वायर को हमें इस ग्रीन वाले वायर के साथ कनेक्ट किया है यहाँ पर। तो इस टाइप से हमें कनेक्शन करना है। देखिए, यहाँ पर जो हमने मोटर के रेगुलेटर को ब्लैक वायर से ज्वाइन किया था, यहाँ पर हम टेप लगा देते हैं। तो इस टाइप से कनेक्शन करना है। अगर आपको फिर भी कनेक्शन करने प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मेन सप्लाई की एक वायर को हमने पंप की वायर और मोटर की वायर से कनेक्ट किया है। और इसी के साथ में जो मेन सप्लाई की दूसरी वायर थी उसे हमने क्या किया, यहाँ पर मोटर के रेगुलेटर से कनेक्ट किया। और जो हमने ब्लैक वाली वायर ज्वाइंट की थी उसे हमने पंप के रेगुलेटर से ज्वाइंट कर दिया। इससे क्या है, मोटर के रेगुलेटर पंप के रेगुलेटर को सप्लाई मिल जाएगी। और जो मोटर का रेगुलेटर था उसकी दूसरी वायर को हमने मोटर की वायर से कनेक्ट कर दी। और जो ब्लू वाली वायर थी यहाँ पर हमने ग्रीन वाली वायर के साथ कनेक्ट कर दी। इससे क्या है, दोनों को सप्लाई मिल जाएगी, मोटर और पंप को। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर आपको दिखाई दे रहा है इस पर हम टेप लगा दें, जिससे यहाँ पर जो हमारा कूलर है वो चलते समय यहाँ पर वायर इसमें टच ना हो, जिससे वायर कट सकते हैं। आपको अच्छी तरह से इसमें ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे अब चला के चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इस पर टेप लगा दिया है और आपको चेक कर लेना है यहाँ पर कोई लूज़ कनेक्शन ना हो, जिससे करंट आ सकता है।
तो यहाँ पर देखिए इसकी सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हम जैसे मैंने इसके रेगुलेटर को ऑन किया, यहाँ पर जो हमारा कूलर है वो चलने लगा है। तो यहाँ पर हम इसके रेगुलेटर से इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना हमें रखना है तो इस हिसाब से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा फ़ैन था वो चल रहा है, तो इस टाइप से आप भी अपने कूलर के फ़ैन रेगुलेटर कनेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम पंप चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा जो पंप है वो वर्क कर रहा नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम कूलर में देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा पंप है अभी बंद है, यहाँ पर देखिए घास सूखी हुई है, पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ पर हम इसके रेगुलेटर को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर जो रेगुलेटर अभी ऑफ हो रखा है, देखिए यहाँ पर हम इसे ऑन करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने ऑन किया, यहाँ पर जो हमारा पानी का पंप है वो चालू हो गया, तो यहाँ पर हमारा जो पंप है वो वर्क करने लगा है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे मोटर का रेगुलेटर और पंप का रेगुलेटर दोनों वर्क कर रहा है। तो इस टाइप से आप भी अपने कूलर कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके पंप में इस टाइप का रेगुलेटर नहीं है और स्विच लगा हुआ, वन वे स्विच लगा हुआ है, तो उसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो यहाँ पर हम वायर को निकाल देते हैं जो कि यहाँ पर रेगुलेटर में कनेक्ट हो रखा है। तो जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर जो ब्लैक वाली वायर थी वो मेन सप्लाई की वायर थी, जो कि हमने इस रेड वाली वायर से कनेक्ट कर रखी थी। तो हमें क्या करना है, इसे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने इस वायर को स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर जो पंप की वायर है उसे स्विच के ऊपर वायर टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस ब्लू वाले वायर को, पंप के वायर को, स्विच के ऊपर वायर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो चलिए स्विच को ऑन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पंप को देखिए, जैसे मैंने ऑन किया, यहाँ पर जो पानी का पंप है वो चालू हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो इसका कनेक्शन होता है बहुत ही ईजी होता है। मेन सप्लाई की जो वायर होती है उसे नीचे वायर टर्मिनल पर लगाते हैं स्विच के, और जो पंप की वायर है उसे स्विच के ऊपर वायर टर्मिनल पर लगाते हैं, बस इतना से कनेक्शन करना है। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अपने कूलर के मोटर के रेगुलेटर, पंप के रेगुलेटर या फिर पंप के स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कनेक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।